नमस्कार आवाज क्लास को आज आम पढ़ा अष्टम श्रेणी वशिष्ठ और विश्वामित्र कवितार अवशिष्टांश आम पूर्व आलोचना करते कवि परिचय और किसी कवितार किसी अंश आलोचना करते आज अवशिष्टांश आलोचना करवा विषय को जावा पूर्व कही रखे जे मनीषर क्रोध हो अग्नि सदृश से कहुए क्रोधाग्नि मनीषर क्रोध हो अग्नि सदृश ज्वलंत एवं मनीष निजे हूँ लुहा सदृश लुहा कहीं कहली ना मनीष पाखे सब सही जबार शक्ति अच्छी जमीक लुहा पाखे जदि कठिन लुहा गुटे अच्छी बहुत मोटा लुहा जहां तुम्हें बाड़ेले भी किसी हबनी भांगी पारबनी किसी भी हबनी भारी शक्त थाए तुम सब जान लुहार केते शक्ति थाए किंतु जेतेबेले सीए ए अग्नि रूप को क्रोध को निज भितर भरी दिए अर्थात जो लुहाटी को आम निआ भितर पकई रखा पोड़ीदेवा तो से कौन हो जाए नाली हो जाए कि नहीं शाबल कि कटुरी आम धार करते से अग्नि पकईक नाली कर दिखती जो नाली हो गला अर्थात अग्निटी को देह को नहीं गला लुहा से भाई मनीष जदि ये अग्नि रूप को क्रोध को निज भीतर नहीं आसे क्रोध जो मनीष भीतर नहीं आसे ये क्रोध ही मनीष को दुर्बल करदेव जो भाव में लुहाटी को से अग्नि दुर्बल कर दिए से अग्नि द्वारा जो रंगायित तो होगला लुहाटी को आम साधारण बाड़ेगी जेकोसी आकृत करदे पारती बहुत मोटा मोटा लुहा बांकी पारती केवल लुहार गरम कलापर से जीवन में केवल क्रोध को आश्रय करना क्रोध को निज शरीर प्रश्रय दब ना जहा द्वारा तुम्हें निश्चय दिने दिने दुर्बल हो लुहा बोली जिते कठिन लुहा भी जो निआर पड़े सी जमी दुर्बल हो जाए मनीष जिते साहसी भी धैर्यवान हेले भी जो क्रोध रूपक अग्नि देह प्रवेश करे सी दुर्बल हो जाए लोक मैंने सहजरे भांगी पारती धैर्य को भांगी गुंड कर पारती सी विफलतार स्वाद चाखी पारे यही आम जानिबा से जो वशिष्ठ और विश्वामित्र से कहानी पौराणिक आख्यायिका जो रचित कर सुंदर कविता आलोचना करते पूर्व जे कि भाव में ऋषि पत्नी आसी ऋषि पाखकू महर्षि वशिष्ठ कही लवण तो नाई महामती रंधन मुझे करी किपर कि भाव में रंधन करी घर तो लवण ना तेनाली आम कौन हम जाना उत्तरिले महर्षि वशिष्ठ प्रशांतिर मधुमय सुरे उत्तरिले अर्थात उत्तर प्रदान कले महर्षि वशिष्ठ जो वशिष्ठ को महर्षि रूप जानी महर्षि वशिष्ठ पत्नी को उत्तर देले रिप्लाई देले प्रत्युत्तर देले से जो पचारे लवण केमती ना मुझे रोष करी ये प्रशांतिर मधुमय स्वर प्रशांति अर्थात अति शांत शांत स्वर मधुमय स्वर मधुमय अर्थात कौन भारी मिठा भारी कोमल से कोमल स्वर से कौन कहे सुरे अर्थात स्वर से प्रत्युत्तर देले जे कौन प्रत्युत्तर देले मागि आण किंचित लवण पासी जाई विश्वामित्र घरे किंचित अर्थात अल्प स्वल्प कि स्वल्प लवण तुम अति दरकार आमे जेमति आमे पड़ोसी मानक पाखु जाई मागि आनती से भाव में से कहउछन्ति पाखर जो आश्रम अछि विश्वामित्रंकर आश्रम तेणु तुम जाई से विश्वामित्रर आश्रम रु तांको घरु किंचित लवण अल्प लवण मागि आण आछि पई चली जाऊ आमे जेमति दरकार हेले आम पड़ोसी मानक पाखरु किछि जिंस आमे मागि आनी तत्क्षणात आम किसी आवश्यकता पूर्ण करने निमंते से भाव में वशिष्ठ पत्नी नाम अरुंधती पत्नी को सी उपदेश दौरान प्रस्ताव दौरान तुम्हें जाकि विश्वामित्र घर किंचित लवण मागि आण रोषे भी स्फुरित अधरे जनइले कहीं जीवी कहीं गोटी गोटी पुत्रगण हत्या कला जो हाथ ताई रोषे अर्थात रागरे रोष करी मान करी क्रोधित हो गए देवी देवी अर्थात अरुंधती कथा कह से सती से देवी अरुंधती से क्रोधरे स्फुरित अधरे जो आम रागी जाती आम रागी जो क्या कहता कथा होता आम अधर अष्ट ओठ स्फुरित कंपमान हो जाए आम रागी गले कंठ मध्य कंपमान आम सब भाषा गुड़ाक स्फुरण हुए आम स्थिर भाव में कथा कही पारते ना तो सेमती रागी गले कहीं रागिले स्फुरित अधरे अर्थात कंपमान ओठरे से कहले जनइले कहीं जीवी कहीं कहीं जीवी कौन दरकार कौन पाई जीवी घर को एक कथा कहीं कहले गोटी गोटी पुत्रगण हत्या कला जो हाथ ताई कहले जे वशिष्ठ पुत्र समस्त पुत्र को विश्वामित्र हत्या कर देथिले जने हत्याकारी से थिले तेणु जने हत्याकारी निकट को निज पुणी पुत्र हत्याकारी निकट को जो पति स्वामी वशिष्ठ प्रेरण कर राति अधर सामान्य लवण टी मागि आनिबा घर को जीवी केमिति जीवी या असंभव जड़े शोकातुरा जननी मु जो अंत चिरिकी जन्म करी पुत्रगण को मोर पुओ मानू से पुओ मानू जी हाथ ताई हत्या कला मु तारी पाक लवण टी मागे जी गोटी गोटी पुत्र कौन हत्या कला जो आततायी आततायी भाव वर्णना कर जड़े आततायी भली से ऋषि होते भी जड़े साधु होते भी से आततायी भली हत्या कर पुत्र मान कहीं हत्या कर जाना जननी शोकातुरा आश्रम जीविका परी अद्भुत आदेश महर्षि भाग्य उपहास परी जानिबा जे जत्ते बड़े वशिष्ठ महर्षि बोली डाकिले ना महर्षि बोली संबोधन कले ना विश्वामित्र विश्वामित्र चाहूले से मत महर्षि बोली संबोधन करंतु जदि वशिष्ठ मत महर्षि बोली संबोधन करंती तेबे मु से दिन ठारू महर्षि बोली पदवाच्य हबी एवं महर्षि आसन में बसि अर्थात ता पूर्वरु से राजर्षि राजा युक्त ऋषि राजर्षि तापर ब्रह्मर्षि थे तेणु महर्षि नथिले महर्षि हूँ से सन्यासी मानकर एक उच्च सम्मान पद सम्मान योग्य सम्मानास्पद अभिव्यक्ति से जो पदवी तो तेणु जो महर्षि वशिष्ठ को महर्षि कहला महान ऋषि महाऋषि विश्वामित्र कहला कारण विश्वामित्र पाखरे से गर्व थिला टिके अहंकार थिला से बहुत ज्ञानी थिले पाखरे छोटी अहंकार थिला चंद्र जमी छोटिया कलंकटे चंद्र को कलंकमय कर पकई से भाव में विश्वामित्र निकटरे एत ज्ञान थिले भी छोटिया अहंकार टिकक छोट कर दे तेणु से महर्षि पदवाच्य हो पारि नथिले महर्षि डाकी पारे ना वशिष्ठ से क्रोधरे जर्जरित हो भारी क्रोधी थे सी वशिष्ठ समस्त पुत्र को हत्या करदे सेठू कहते जननी मु शोकातुरा शोकरे आतुरा शोक अर्थात दुख मु दुख एजाए भी भूल मो पुओ मान हत्यार दुख ता आश्रम में जीवी क्यों मुझे भाव आश्रम को जी अद्भुत आदेश महर्षि हे महर्षि तुम्हारे आदेश महान केमी तुम्हें ये आदेश दे पार्छ जे मो पुत्र गण को हत्या कला भाग्य उपहास करी आज मत लगुच मो भाग्य मत उपहास कर जो पुओ मान जी हत्या कर सामान्य लवण आने जी निज को धिक्कार कर भाग्य नुहे उपहास तार धर्म कल्याण चाहे मो आखिरी नुहे आततायी भल पाए भल पाए से प्रत्युत्तर पुणी दौरान वशिष्ठ कौन दौरान भाग्य नुहे उपहास यह उपहास नुहे देवी हे सत्य अरुंधती यह तुम्हें उपहास भावनी यह उपहास नुहे आतो एबे मुझे भल पाए तार धर्म कल्याण मु चाहे तार धर्म मु चाहे तार कल्याण मु चाहे कल्याण अर्थात मंगल मो आखिरी नुहे आततायी मुझे आततायी बोली भाविनी कि भावी पारिनी भल पाए मुझे बहुत भल पाए समस्त अधिक भल पाए आश्चर्य कथा ये जे पुत्र को हत्या कर से भल पाई पारे महान आत्मा को प्रणाम से महर्षि भल पाओ जदि देवी कहते भल पाओ जदि डाकी महर्षि ताहारे जीवन रक्त अरुणित नही था आर्तहाकार भल पाओ जदि तुम्हें जदि प्रकृत भल पाउल भल पाओ डाकी महर्षि ताहारे ताकू कहीं महर्षि डाकी तुम कौन असुविधा होता जदि तुम थे महर्षि डाकी से महर्षि पदवाच्य होते आम पुत्र मान हत्या कर न था कि तुम महर्षि डाकिल ना बोली से आम पुत्र मान क्रोधर जर्जरित हो हत्या कले डाकी महर्षि ताहारे जीवन रक्त अरुणित आज जीवन आज जो रक्त जुड़बुड़ मोर जो इतिहास सृष्टि हो गला मो पुओ मान रक्त रक्त अरुणित हो न था अरुण अर्थात नाली रंग रंगायित अरुणिमा सूर्य को अरुण कहुए सकाल जो किरण नाली रंग थाए बोली अरुण रंग से या वर्ण अरुणित अर्थात नाली रंग रंगायित नही था आर्तहाकार जदि तुम्हें महर्षि थे डाकी आमर ये जीवन आमर ये परिवार ये रक्त अरुणित हो न था नाली हो न था आर्तहाकार सृष्टि हो पार ना हाहाकार मान चित्कार करवा दुख विलाप करवा ये दुख आम विलाप कर न था पितृ मान हर से महर्षि कहते महर्षि मु डाकी प्राणे प्राणे भल पाए बोली जनाइले सधीरे वशिष्ठ श्मश्रु तलु स्मित रेखा तोली महर्षि मु डाकी मो महर्षि डाकी नाही भी महत उद्देश्य अच्छी क्रोधरे महर्षि डाकी नाही सेमति किछि कथा नाही तापर मोर किसी कौन राग ना प्रतिशोध नबार ना मुझे महर्षि डाके ना ताले प्राण प्राणे भल पाए हृदय भल पाए महर्षि डाके ना आश्चर्य कथा भल पाए महर्षि डाकिले जहाद्वारा से हत्या करते कथा जाना जन सधीरे वशिष्ठ सधीरे धीर सहित सधीरे जन वशिष्ठ श्मश्रु तलु श्मश्रु था दाढ़ी से जो साधु सन्यास मान बड़ बड़ दाढ़ी था श्मश्रु तलु स्मित रेखा तोली स्मित मान धारे हस जो आप इंग्रेजी स्माइल कही धीरे कि हसिकी छोट हसटे देकी से जनइले भल पाए जेणु महर्षि मुखे था बाणी बात्यानी कि शाल वृक्ष काऊ पदप्रांति पीटी देला से जिते कहते भल पाए जेणु जेहेतु जेहेतु मुझे भल पाए से महर्षि डाके ना ये कथा जो कहते हठात सांगे सांगे महर्षि मुखे था बाणी महर्षि मुखर बाणी सरी ना मुखे था बाणी मुखर बाणी सरी ना रही बात्या निकी बात्या परी शाल वृक्ष काऊ बात्यार प्रबल बात्यार जो शाल वृक्ष गड़ी पड़े जेमती शब्द हुए से भाई पदप्रांत पीटी देला पद है पाद प्रांत मान तले शेष पीटी देला अर्थात पड़गला जमी बात्यार गोटे शाल गच गड़ी पड़े से पाद तले किए जड़े पड़गला तो बाबू तो पिला माने किए पड़ी थो पत्नी अरुंधती ना तांकर मरी जाइथिबा समस्त पुत्र ना आउ कई निश्चय जानवा पर क्लास रे अधिक जाना किए एमती गोड़ तले हठात आसी पड़गले से अंधकार राति से वर्षा भिजा राति से भल पाए कहला बेलू किए पड़गले।